इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित इलाके की ग्राम पंचायत भुट्टो का कुआ पुगल पंचायत समिति से इस बार शिवनगर से अलग हुई ये ग्राम पंचायत पिछले 5 सालों के कार्यकाल यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। एकमात्र ग्राम पंचायत के अंदर सिर्फ ग्राम पंचायत का भवन बना है, अनेक सुविधाओं से आज भी यह ग्राम पंचायत वंचित है। बात करें तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर एकमात्र यहाँ पे मिडिल विद्यालय भी आपको नहीं मिलेगा। मिडिल विद्यालय नहीं होने के कारण बच्चों को दूर दराज क्षेत्र में जाना पड़ता है, जो शिक्षा के इस गलियारे के अंदर भावी जो बच्चों का दिक्कत आ रही है वो एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे इस समय भुट्टो का कुआ पंचायत के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना 19 की पालना करते हुए लोग यहाँ पे बैठे हैं। चुनावी मतदान इस समय 28 सितंबर को होना है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां भी की जा रही है। इस ग्राम पंचायत के अंदर अनेक सुविधाएं वंचित होने के कारण यहाँ पे लोगों की मुख्य समस्या चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी हुई है। यहाँ पे खाला डाट कवरिंग नहीं होने के कारण भी एक बड़ी समस्या, सिंचित इलाका है, ये समस्या भी पिछले कई सालों से यहाँ पर बरकरार है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, कितनी क्या समस्या आप मानते हैं, आपका मैनोफेस्टा प्राथमिकता क्या रहेगी आगे बनने वाले सरपंच से? बनने वाले सरपंच से हमें तो पहले तो लाइट वाला करवाएंगे, कोई खेतों में लाइट नहीं है, गाड़ियों में कनेक्शन नहीं है, और स्कूल है तो स्कूलों भी छोटी छोटी स्कूलों में 8वीं 5वीं तक की 12वीं तक की हमें स्कूल चाहिए, बच्चों को दूर दूर पढ़ाने के लिए भेजने पड़ते हैं, कोई सुविधा है नहीं। रोड है तो नरेगा आते हैं तो रोड भी बनाई जाती है ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, वो भी कोई आवेदन नहीं आया, नहीं कोई रोड बनी है, नहीं कोई और ऐसे ही खरा लगा कि कच्चा काम करके 2 दिन में वो माल बिखर जाता है सारा। डाट कवरिंग है जो खेत से ले जाने के लिए, वो डाट कवरिंग खालों में पानी नहीं जा रहा है आगे, आंधियों से चल के मिट्टी में काला भरा जाता है और मिट्टी नहीं टाइम पर निकलती है, और काश्तकारों के खेतों में दाने भी नहीं हो रहे। 5 साल पहले विभाजित हुई ग्राम पंचायत आज भी अनेक सुविधाओं से वंचित है। 77 वर्षीय वृद्ध भी इस समय पाक विस्थापित हमारे साथ मौजूद हैं। आपने चुनाव देखे हैं, किस तरीके के चुनाव पहले होते थे, किस तरीके का अब यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मुख्य समस्या क्या है उसको भी अवगत करवाएं। देखो तो चुनाव तो पहले ही होता था, अभी जून दिन आ रहा तो चुनाव भी एक खतरनाक हो रहा है, जो मतदाता जागरूक हो रहे हैं, पहले इतने जागरूक नहीं थे। और ये पंचायत अलग बनी तो पंचायत मुख्यालय पर जो मकान बना है और कुछ नहीं बना है। आज ये चक्कों में सिंचित एरिया होते हुए गवर्नमेंट के कागजों में रास्ता काटा हुआ है, मौके पर चलने के लिए बंद है, कास्ते हो रही है, वहाँ गिरवल सड़क नहीं बनी है, आने जाने से बड़ी परेशानियाँ होती है। मेन समस्या हमारी जो स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई है, भविष्य है, वो अंधेरे में डूब गया है। आज इस मुख्यालय पर स्कूल में एक टीचर है, 2 शिक्षा कर्मी हैं, 8वीं पास वाले टीचर भी नहीं है, और स्कूल भी आगे कोई सुविधा नहीं है, इसमें हम बड़े परेशान हैं। मेन मुद्दा ये तो ये भी उम्मीद करके जो हम अभी चुनाव करा रहे हैं, और वर्तमान में जो है सरपंच उनसे कहेंगे कुछ न कुछ हमारा करो। गांव की सरकार बनाने का 28 सितंबर को मतदान दिन है, उसी दिन आप वहां पर पहुंचेंगे, क्या कहीं सरपंच के द्वारा प्रत्याशियों के द्वारा प्रलोभन ना दिया जाए, किस तरीके का सरपंच आप चाहते हैं? सर ऐसा है, हमने पिछली बार आज से 5 साल पहले हमारी ग्राम पंचायत का निर्विरोध सरपंच चुना हमने, और उन लोगों ने हमारी ग्राम पंचायत का कुछ भी फायदा नहीं करवाया, गांव का कुछ भी कार्य आज दिन तक 5 सालों में नहीं हुआ, न डाट कवरिंग हुआ, न रास्ता किसी का निकाला गया, न कोई रोड बनी, न हमारी स्कूल की सुविधाएं बढ़ाई गई, स्कूल में टीचर तक के भी इन लोगों ने नहीं भेजे, गांव का कोई भी जड़ के आज भी हर किसी भी गांव ढाणी में पानी की समस्या है, हेडपम्प तक भी नहीं लगे इस, और प्रधानमंत्री आवास हमारी ग्राम पंचायत के अंदर ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 ही ओनली फॉर हुए, उसके सब वंचित है, इसलिए हम लोगों ने वो छोड़ के और ये हमारा नया सरपंच चुना है, उम्मीद है कि हम इनको जिताएंगे। 5 साल पहले इसी ग्राम पंचायत में निर्विरोध सरपंच चुना गया है, आप पर भी बड़ी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र की एक पंचायत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, किस तरीके से आप निर्धारण करेंगे? हमारे को जनता ने मौका दिया तो ये सारी समस्या है इसका हम निवारण करेंगे, सब मिलके करेंगे। कोविड-19 एक बड़ी बीमारी है, इससे किस तरीके से लड़ा जा रहा है, एक प्रशासन के लिए साथ साथ प्रत्याशियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कोविड-19। 28 सितंबर को मतदान के दिन वहां पे भीड़ भी होगी, किस तरीके से पालना करने की अपील कर रहे हैं आप लोगों से? कोविड महामारी बहुत भयंकर बीमारी है, इसको इसके से निपटने के लिए हम सैनिटाइजर, मास्क और डिस्टेंस का पालन करेंगे।
आपके क्या मैनोफेस्ट क्या प्राथमिकता रहेगी? ये जो दूर दराज की पंचायत आज अनेक सुविधाओं से वंचित है, क्या आप विकास कार्य करवाएंगे पंचायत में? हम गाड़ियों को गांव से जोड़ेंगे और जल और शिक्षा और बिजली की समस्या को तुरंत हल कराएंगे। 77 वर्ष से एक वृद्ध ने आपके पंचायत के एक वृद्ध ने बताया है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है या पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचित इलाका है, IGNP नहर के करीब बसी हुई है, ग्राम पंचायत है, अनेक व्यवस्थाएं अभी तक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आप 5 साल के अंदर कितना विकास करवा पाएंगे, प्राथमिकता से किस तरीके से काम करवाएंगे? जनता के शोर से मिलकर प्रयास करेंगे, सारे काम करवाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जनता के सहयोग से बिल्कुल विकास कार्य करवाएंगे। जिस तरीके से इस ग्राम पंचायत के अंदर अनेक असुविधाएं हैं, एकदम सुविधाओं का अभाव है, बात करें तो इन्होंने बताया है ग्रामीणों ने, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे अध्यापक भी नहीं पहुँच रहे हैं, सिंचित इलाका होने के कारण इनको वक्त पर पानी नहीं मिलता है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, डाट कवरिंग नहीं हो रही है और आवासीय पट्टों का निर्धारण नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं नजर आ रही है। इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने अभी ग्राम पंचायत भुट्टो का कुआ के अंदर अपना सरपंच प्रतिनिधि चुन रहे हैं, 28 तारीख को मतदान होना है, प्रथम चरण की 28 सितंबर को जो चुनाव होंगे उस दिन यहां पे अपना भाग्य आजमा रहे सरपंचों का भी, इस गांव के विकास की ओर किस तरीके का काम करवा पाएंगे। टुडे 24, सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।